नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी जिसको हम आरओ कहते हैं, इस परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कुल मिला के जो है इस परीक्षा को डिकोड करेंगे कि आप किस तरह से तैयारी करके इस परीक्षा में अधिकतम जो है अंक प्राप्त कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। समीक्षा अधिकारी एक राजपत्रित पोस्ट है और एक प्रतिष्ठित पद है उत्तर प्रदेश सचिवालय का। अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के बाद जो है सबसे अच्छी पोस्ट जो है समीक्षा अधिकारी की मानी जाती है, कई सारी सुविधाओं के मामले में। और इसमें इंटरव्यू ना होने से ये पीसीएस की अपेक्षाकृत जो है कुछ सरल होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इसका पाठ्यक्रम है, पुराने प्रश्न पत्र जितने भी आज तक हुए 2001 से लेके अभी तक, उन सभी में किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा गया है, क्या ट्रेंड रहा है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, उसके बाद तैयारी कैसे हम करें कि इसमें जो है हम अच्छे से अच्छे अंक ला सकें, और जो विषय वार हमको तैयारी करनी है उसके लिए हम कौन सी पुस्तकें पढ़ें, कौन सा मटेरियल पढ़ें जिससे हम जो है कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। तो ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए आपको इस वीडियो को धैर्य पूर्वक अंत तक देखना होगा और जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो आप चाहे उसको नोट करते चले। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले हम कुछ जो है इसके बारे में सामान्य चीजें देखते हैं। तो 2017 आरओ मेंस का जो है परिणाम आने वाला है, किसी भी समय किसी भी दिन आ सकता है। कुछ जो है आरक्षण संबंधी उसमें नए प्रोविजंस आ जाने के कारण रुक गया है, और जैसे ही 2017 का प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है 2020 के लिए नई वैकेंसी आ जाएंगी। ये आप जो है लगातार पेपर में ये छप भी रहा है और आयोग को अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं, तो जल्दी ही जो है 2020 की भी वैकेंसी आने वाली है। तो जो लोगों ने 2016 की परीक्षा नहीं दी थी, उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे या उसमें अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको भी बहुत जल्द ही मौका मिलने वाला है, नई फ्रेश वैकेंसी आरओ की आएगी 2020 के लिए। और 2016 की जो वैकेंसी है उसका जो है आयोग द्वारा शेड्यूल जारी किया जा चुका है पुनर परीक्षा का। तो इसमें दोनों ही चीजें यानी 3 मई को क्या है प्रारंभिक परीक्षा है, 3 मई को प्रारंभिक परीक्षा है और 1 नवंबर से इसकी मुख्य परीक्षाएं होंगी। तो आपके सामने टारगेट सेट है, जिन लोगों ने 2016 का फॉर्म भरा था भले जो है उन्होंने परीक्षा ना दी हो वो भी इसमें एलिजिबल है। मैं एक वीडियो में इस सबके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो आपके सामने एक टारगेट सेट है 3 मई, उसके बाद जो है 1 नवंबर से मुख्य परीक्षाएं। तो 3 मई में अभी जो है आपके पास जो है बहुत ज्यादा समय नहीं शेष है, इसलिए अगर आप आरओ को क्रैक करना चाहते हैं 2016 वाले को तो आप निश्चित रूप से जो है लग जाइए। ये जो है सबसे बेहतर समय है शुरुआत करने का, क्योंकि अब जो है अगर आप इसके बाद शुरुआत करेंगे तो आपको जो है देर हो चुकी। दूसरी चीज, पिछली बार जितना आपको कंपटीशन देखने को मिला था उसको आप जानते हैं कि चूंकि परीक्षा 3 साल 4 साल से लटकी हुई है तो इसमें कैंडिडेट्स भी कम हो गए, इसलिए इस बार जो है ज्यादा लोग लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होंगे प्रारंभिक में। तो इस तरह से भी जो एक परीक्षा में जो है भीड़ का दबाव होता है, ज्यादा अभ्यर्थियों का दबाव होता है, वो कम होने जा रहा है और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पहले ये नहीं खुलासा हुआ था कि आरओ में जो है कितने पोस्टें हैं, तो आरटीआई के द्वारा ये खुलासा हुआ, आरटीआई की भी कॉपी जो है सर्कुलेट हुई थी और सीधे सीधे पेपर में भी जो है ये हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है जिसमें दिया हुआ है कि आरओ के यानी समीक्षा अधिकारी के 218 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 85 पद। तो इस तरह से पद भी क्लियर हो गए, मैक्सिमम पद जो है आरओ के हैं यानी समीक्षा अधिकारी के हैं और कुछ पद जो है विशेष योग्यता वाले हैं जिनके बारे में जो है डिटेल उसमें दी गई है। तो ये सब हमने चर्चा कर ली, ये इसका नोटिफिकेशन था, इसका आप विशेष महत्व नहीं है क्योंकि जो है अब आपको जो है सारी चीजें जो है पता चल रही है
और नई डेट इसकी आ चुकी है। जब ये नोटिफिकेशन आया था तब जो है 356 जो है कोई पोस्ट थी जो है, और उसके अलावा 5 पोस्टें जो है बैकलॉग की अलग से थी। तो इस तरह से ये इसका ब्रेकअप था, और अब जो है आरओ की और एआरओ की अलग अलग कितनी पोस्टें हैं ये आपको जो है पता चल गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले 2 मिनट में मैं जो है बताना चाहता हूं, जो लोग हमारे डिकोड एग्जाम की टेस्ट सीरीज का वेट कर रहे थे, तो हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आरओ लिखकर जो है इस नंबर पर आप भेज दीजिए। आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा कि किस तरह से आप इस टेस्ट सीरीज पे से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग भली बात कर सीखे। ये हमारी डिकोड एग्जाम की 10वीं टेस्ट सीरीज है। पूरी टेस्ट सीरीज व्याख्यात्मक होती है जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाती है, और आप इस तरह से प्रिंट निकलवा कर भी जो है पढ़ सकते हैं। ये हमारे डेमो टेस्ट का पीडीएफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप जो है फ्री डेमो टेस्ट सबसे पहले जो है प्राप्त करिए, उसके लिए ये नंबर दिया हुआ है इस पर संपर्क करिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में पिन कमेंट में भी जो है इसके बारे में इसका जो लिंक है गूगल ड्राइव का वो दिया हुआ, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह से टेस्ट सीरीज से जुड़ना है इसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें, या आरओ एआरओ लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें। आपको जो है उधर से रिवर्ट कर दिया जाएगा कि क्या प्रक्रिया है इससे जुड़ने की। अब मैं ब्रीफ में बता दूं आपको जो है कि इसमें हमने कुल 11 टेस्ट फुल रखे। आप जानते हैं सिलेबस इसका 140 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और 60 क्वेश्चन जनरल हिंदी के आते हैं। तो इस तरह से फुल टेस्ट में आपको 200 प्रश्न मिलेंगे जिसमें हिंदी के 60 और जीएस के 140 क्वेश्चन। तो ये दोनों जो है चूंकि अलग अलग पालियों में पेपर होते हैं इसलिए हमने जो है इसको उसी तरह से अलग अलग ही रखा है। जीएस का पेपर 140 क्वेश्चंस का अलग और 60 क्वेश्चंस का जो है जनरल हिंदी का अलग। तो ये फुल मतलब 11 का मतलब ये 22 टेस्ट हो जाएंगे अगर हम अलग अलग काउंट करें। इसके अलावा करंट अफेयर्स का हमने 9 टेस्ट रखा है जो 100-100 क्वेश्चंस का होगा, पूरी व्याख्या के साथ में होगा, उसकी भी पीडीएफ उसी तरह से मिलेगी, ऑनलाइन भी आप दे पाएंगे। तो ये जो है करंट अफेयर्स पे इतना वेट डालने का जो है केवल यही मकसद है कि जो नया ट्रेंड है लोक सेवा आयोग का उसके अनुसार करंट अफेयर्स आपका इस तरह से तैयार होना चाहिए कि उसमें आप मिनिमम गलती करके आए। तो इन 9 टेस्ट में हम पूरा जो है 2019 और मई के पहले तक का जो है 2020 का करंट अफेयर्स कवर कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये कुल 20 टेस्ट हैं और इनकी संपूर्ण पीडीएफ व्याख्यात्मक हल की तरह इसी तरह से आपको जो है दे दी जाएगी। आप जो है इसको अगर प्रिंट निकलवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हर प्रश्न की जो है व्याख्या इस तरह से लिखी जाती है कि वो पूरा नोट्स बन जाता है। तो अगर हम इसको टेस्ट सीरीज ना कह के सीधे सीधे ये कहे कि ये क्रैश कोर्स है, ये नोट्स है जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट हमेशा पढ़ने में इंटरेस्टिंग होता है। दूसरी चीज जो इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस है इसमें, क्वेश्चन सारे जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एक साथ डिस्प्ले होंगे जब आप हमारे ऐप पे जो उसको टेस्ट देंगे, और ऐप पे टेस्ट देने के बाद आपको आपका स्कोर सही क्वेश्चंस गलत क्वेश्चंस क्या आपने गलतियां की है हर तरह की एनालिसिस वहां पर आपको दिखाई देगी। तो आज पहला टेस्ट अपलोड किया जा चुका है, आप तुरंत जो है हमारे डिकोड एग्जाम के ऐप पर जाकर उसको जो है अटेम्प्ट करें, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें और पूरी ईमानदारी से जो है उसको जज करें। अगर आपको लगता है कि जो हम आपको डेमो टेस्ट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी और कंटेंट बहुत अच्छा है और आप उससे सेटिस्फाइड हैं तभी आप इस टेस्ट को ज्वाइन करें, वरना जो है केवल आप जो है डेमो टेस्ट को ही पढ़ लें, बाकी जो है चैनल पर आप जो है लगातार तैयारी करते रहेंगे। तो ये जो टेस्ट का शेड्यूल है, पहला टेस्ट अपलोड किया जा चुका है जिसको हम डेमो टेस्ट कह रहे हैं, उसके बाद जो है दूसरा टेस्ट होगा 21 फरवरी को, और 21 फरवरी से 20
अप्रैल तक ये पूरा जो है शेड्यूल है, जिसमें जो है कुल लगभग 30 क्वेश्चन, 30 जिसमें लगभग कुल 30 टेस्ट होंगे, अलग अलग सेगमेंट की बात करें हम तो। इस तरह से हम इसको 20 अप्रैल तक जो है समाप्त कर देंगे। प्रवेश भी प्रारंभ है, आप जो है अभी से एडमिशन ले सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, आप इस नंबर पर कॉल कर ले या सीधे सीधे जो है आरओ एआरओ लिखकर मैसेज कर दें, आपको जो है उधर से खुद जो है आप बात की जाएगी। और 21 तारीख जो है लास्ट डेट है प्रवेश लेने की। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए सीरियस हैं और कम समय में अच्छे से अच्छा मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, जिससे आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस मिल सके और आप आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। तो सबसे पहले कोई भी परीक्षा हो उसकी हमको स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए जरूरत होती है सिलेबस की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस की। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सिलेबस क्या है हमारा। तो हमने जैसे ब्रीफ में आपको बताया कि इसमें दो खंड होते हैं। पहला जो है सामान्य अध्ययन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें 140 क्वेश्चंस होते हैं, समय 2 घंटा दिया जाता है, पूर्णांक भी इसका 140 होता है। और चूंकि ये 2016 का री एग्जाम है तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं। आप में से कई लोगों ने निगेटिव मार्किंग के बारे में पूछा था, तो मैं बता दूं इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये भी एक आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप जो है बिना निगेटिव मार्किंग का एग्जाम देंगे, जिससे आप जो है कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को आप गेस भी कर पाएंगे। तो ये आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है। ये सुबह की पाली में होता है, जीएस का पेपर, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, सेंसस, इन्वायरमेंट और नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें जो है रीजनिंग और मैथ के बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश पर आधारित यानी उत्तर प्रदेश विशेष। इसके बाद अब हम हिंदी की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी जो है गेम चेंजर है, क्योंकि हिंदी का जो 60 नंबर का 60 क्वेश्चन आते हैं, यही जो है मेरिट की और सिलेक्शन की दिशा और दशा दोनों ही तय करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं 140 नंबर का क्या है, सामान्य अध्ययन है। अब सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो आप जो है कितना भी उसमें मेहनत कर लें तो आप 90 और 100 के बीच, जब आप अच्छी तैयारी करते हैं और आप जो है बहुत पुराने अनुभवी हैं तो आप थोड़ा सा 100 को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन जो सामान्य अध्ययन का नुकसान होता है, जो सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की हमको हानि होती है, वो कवर कर सकता है हिंदी। हिंदी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इस परीक्षा में, क्योंकि हिंदी का जो है टॉपिक बिल्कुल सेलेक्टेड है। ये 6 आपके सामने टॉपिक लिखे हैं, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची। इनसे निश्चित है कि विलोम है तो इससे 10 शब्द जो है यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सीधा सीधा आपको किसी शब्द का विलोम बताना होगा, या निम्न में से कौन सा नहीं है, या युग्म कौन सा गलत है। तो प्रश्न के प्रकार अलग अलग होंगे, लेकिन वो विलोम के ही 10 प्रश्न है, ये फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको पता है कि ये 6 हिंदी के टॉपिक पढ़ के हम जो है 60 नंबर पा सकते हैं, तो आपके पास जो समय है आप उसका सदुपयोग करते हुए, अगर हिंदी को रोज 2 से 2.5 घंटा 3 घंटे का समय दे रहे हैं, भले जीएस को भी आप 3 घंटे का दे रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि आप जो है 55 से लेके 60 के बीच में बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। जो इस चैनल से जुड़े हुए पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मैंने जब हिंदी इनको पढ़ाया था तब भी जो है वो बहुत अच्छा स्कोर करके आए थे। और आरओ एआरओ के लिए पूरी हिंदी मैं यहीं पर पढ़ाऊंगा सिस्टमैटिक ढंग से। ये 6 टॉपिक जो है वो पूरे के पूरे मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो हिंदी को आप पढ़िए। अब हिंदी को कैसे पढ़ना है, अब हिंदी को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है लिमिटेड है, इसलिए आप जो है कुछ सेलेक्टेड बुक्स ले सकते हैं। ये आपके सामने एक बुक है जो है सजेशन के लिए।
तो इसमें हरदेव बाहरी साहब की, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, ये दो बुक जो है बहुत मानक बुक मानी जाती हैं। और उसके अलावा एस कुमार सर जो इलाहाबाद वाले हैं, जो लोग इलाहाबाद से हैं वो जानते हैं, उनकी भी जो है अभी जल्दी एक और किताब रिवाइज होकर आई हिंदी की, बहुत अच्छी किताब है, केदार शर्मा आदित्य पब्लिकेशन की, और घटना चक्र। तो घटना चक्र क्यों जरूरी है? घटना चक्र इसलिए जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए, आप जो है यूथ पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत करने के लिए जितने भी हिंदी के 10-12 पेपर जो है पुराने पेपरों के आपको मिल जाए, उनको जो है सॉल्व करिए, उनके चारों विकल्पों के बारे में पढ़िए, कौन सा सही है तो क्यों सही है, कौन सा गलत है तो क्यों गलत है, हर तरह से तर्क की कसौटी पर जो है सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, उनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस जो है पुटअप किए जा रहे हैं। ये मैं जरूर कह रहा हूं कि ये सिलेक्टेड 6 टॉपिक ही पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर ये चीज ध्यान दीजिएगा कि उन 6 टॉपिक में जो है सबसे कठिन शब्दों को, सबसे अनोखे जो कभी आपने सुने ना हो, ऐसे शब्दों को निकालने का प्रयास जो है एग्जामिनर का रहता है। इसलिए इन 6 टॉपिक को पढ़ने का मतलब है कि आप चाहे 3 किताब से पढ़े चाहे 4 किताब से पढ़े, आपको 100% शब्दों को कवर करने का प्रयास करना होगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप शब्द कवर कर सके। आप फिर से आप सिलेबस देखते हैं तो उसमें मैं बताता हूं कि आपको जो है इसमें जो सबसे टफ आपको जो है पोर्शन लगता है वो क्या है, विलोम शब्द लगभग आसानी से और कॉमन सेंस से सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध जो ये है टॉपिक, इसमें क्या होता है क्योंकि जो क्वेश्चंस जो ट्रेंड है आने का, उसमें ऐसे जो है शब्द दिए जाते हैं जो लगभग लगभग सिमिलर होते हैं, आपको लगता है कि ये भी सही है या ये सही है या चारों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बेस से ये पढ़ना होगा कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध के लिए जो है नियम क्या है, वाक्यों की शुद्धि में विशेषकर जो है चारों वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य को निकालना या एक शुद्ध वाक्य को निकालना भी एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग सामान्य बोलचाल में जो शब्द बोलते हैं, जो वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं, प्रायः उनमें व्याकरण की दृष्टि से गलती होती है, और चूंकि हम उसको रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग कर रहे हैं तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हमारे सामने वाक्य लिखा है वो गलत क्यों है। तो इसके लिए आपको बहुत ही तर्कपूर्वक जो है एक एक उदाहरण को समझना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहता है विशेष्य और विशेषण में, मैं पढ़ाऊंगा तो इनको, इनकी कुछ ट्रिक्स भी हैं, उनको भी आपके सामने लाऊंगा। पर्यायवाची शब्द, इसमें से अधिकांश आपको पता होते हैं, लेकिन इसमें चूंकि यूनिकनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा लर्न करने होंगे, बार बार उनको याद करना होगा, सीधे शब्दों में आपको रट लेना होगा, क्योंकि पर्यायवाची में अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो ये नहीं पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है, निम्न में से कौन सा नहीं है पूछा जाता है, और इतने क्लोज ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए आपको इस लेवल की तैयारी करनी होगी कि आप जो है लगभग हर शब्द से परिचित हो जाए। तो ये हिंदी की बात रही, अभी सामान्य अध्ययन को देखेंगे। एक नजर जल्दी से हम जो है इसके मेंस के सिलेबस पे भी डाल देते हैं, कुछ लोगों ने जो है मेंस के बारे में पूछा था, हालांकि इस पे डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो ये जो है इस तरह से मेंस का स्वरूप होता है जिसमें जो है सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है वो बिल्कुल डिक्टो जैसा प्री में पूछा जाता है 140 क्वेश्चंस वाला, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव ये होता है। फिर सामान्य हिंदी जो है, अब इसमें 3 खंड होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव होता है जिसमें जो है आलेखन आता है, गद्यांश वाला, सरकारी पत्र, ये सब जो है, तो इस तरह से इसका ये डिवीजन है। ये पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब ये जो है सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये खंड 2 में आते हैं। ये कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो है आप देख सकते हैं लगभग लगभग वही है जो उसमें पूछा जाता है प्री में। उसके बाद जो है निबंध के लिखने का आते हैं, 3 उसमें सेगमेंट होते हैं, 3 में से आपको एक एक को छांटना होता है, 40-40 नंबर का होता है। इस तरह से पूरा मेंस जो टोटल होता है ये 400 नंबर का होता है।
तो मेंस पे आगे जो है मेंस का जब समय आएगा तब डिटेल में चर्चा करेंगे। हिंदी की बात हमने समझ ली, अब हमको ये देखना है कि हम समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने जा रहे हैं। आप में से अधिकांश लोगों ने पेपर दिया होगा, पहले भी तैयारी की होगी, आपको काफी जानकारी होगी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर छोड़ दिया था और अब देंगे या उन्होंने तब तैयारी नहीं की थी तो अब तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक विश्लेषण देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आप ये 2010 के दो पेपर हैं, एक सामान्य जो चयन था एक विशेष चयन था, इसीलिए यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इतिहास में 20-20 प्रश्न, भूगोल में 20 और 14, तो इस तरह से ये सारणी है। आप आगे चले, अभी इसका पूरा जीस्ट क्या है मैं आगे आपको समझाता हूँ, पहले आप जो है इसको एक बार देख लीजिए। आप यहाँ पर जो है 2013 का प्री मेंस, 2014 का, फिर 2016 का, फिर 2017 का, 2016 में जो कैंसिल हुआ था वो भी यहाँ पर जो है मैंने डिस्प्ले कर दिया है। ये भारतीय इतिहास अगर है तो उसमें प्राचीन और मध्यकालीन का क्या पोर्शन रहा है, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी जब हम कहते हैं तो उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों में अलग अलग क्या रहा है, भूगोल की जब हम बात करते हैं तो भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल दोनों में कैसे कैसे डिवीजन रहा है। तो हमने जो है सबको अलग अलग यहाँ पर सेगमेंट में जो है तोड़ दिया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसलिए इस पर आप जो है अभी बहुत ज्यादा विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी लिस्ट मैंने बनाई है। जो पिछले 11-12 पेपर हैं इंक्लूड प्री मेंस, उसमें यूडीए एलडीए सब मिला दिया गया, क्योंकि पहले यूडीए एलडीए कहते थे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को काफी पहले, तो जितने भी अवेलेबल पेपर्स थे सब सबके क्वेश्चंस को जोड़ के उनका जो है परसेंटेज निकाला गया है कि किस तरह से उनका जो है वेटेज है। तो यहाँ पर जो है आप एक चीज स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, तैयारी या रिवीजन आप करने जा रहे हैं, तो यहां से आप अपना प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि आप सबसे पहले जो है किसको कितना समय दें, यानी शुरुआत कहां से करें, क्योंकि जिनका जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है आपको उन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और इसी में कृषि भी सम्मिलित है, तो ये तीनों ही जो है अगर एक साथ हम देखते हैं पूरे संपूर्ण भूगोल को तो ये 16% वेट है। अगर हम जो है सारे सब्जेक्ट को 100% मानते हैं तो 16% क्वेश्चंस भूगोल से आते हैं, जो सबसे ज्यादा पोर्शन है इस आरओ यारओ के पेपर का। उसके बाद दूसरे नंबर पर करंट अफेयर्स, इसीलिए जो है हम अपनी तस्वीर में भी करंट अफेयर्स को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा मटीरियल जो है देने की कोशिश करते हैं। तो ये करंट अफेयर्स हो गया, और साथ में इस चैनल पर अमित सर लगातार पढ़ा रहे हैं आपको डेली करंट अफेयर्स। अगर आप उस सीरीज को मिस कर रहे हैं, सुबह 7:30 बजे अपलोड की जाती है, तो बिल्कुल भी मत मिस करिए। अगर आप अभी से भी देखना शुरू कर देंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तीसरे नंबर पर अगर वेटेज हम देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। अब चौथे नंबर पर जो वेटेज है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास, और उसमें भी जो है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का काल है वो, तो ये चार जो है टॉप के हो गए। उसके बाद अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में जो है अगर क्वेश्चन को आप जो प्रीवियस ईयर देखेंगे, मैंने भी एनालिसिस किया है, तो कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो है बहुत कम है, या तो वो योजना से पूछे गए हैं किसी न किसी भारत सरकार की योजना से, इकोनॉमिक योजनाएं जो है, या तो फिर वो जो है करंट अफेयर से जुड़े हुए। अगर आपने पिछला पेपर देखा होगा जो 2018 में हुआ था, तो उसमें आयात निर्यात बजट से क्वेश्चन, बजट आयात निर्यात की शीर्ष मदे कौन सी है, उत्तर प्रदेश के बजट का आकार क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स में जो करंट से जुड़े हुए हैं वो सब पूछे गए हैं। फिर इसमें रीजनिंग और मैथ भी आता है, लगभग अगर इसका एक हम एवरेज निकाल दें तो 9 क्वेश्चन जो है एवरेज आएगा, कभी 17 क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी जो है 3 ही 4 किसी साल पूछा गया, किसी साल 10 पूछा गया, किसी साल 12 पूछा गया है,
तो इसका कोई फिक्स नहीं है, और जो इसके क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल बहुत ही अच्छा होता है। अच्छे का मतलब यहाँ पर है कि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि आरओ में जनसंख्या और नगरीकरण एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है जिससे 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल तो शायद लगभग 13 क्वेश्चन जो है अकेले जनसंख्या और नगरीकरण से पूछ लिए गए थे, और यूपी से भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जनसंख्या और नगरीकरण उत्तर प्रदेश की, भारत की, दोनों को ही आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, और उसके जो डेटाज हैं उनको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। क्रम पूछते हैं, हर तरह से जो है क्वेश्चन इसमें आते हैं, और ये जो है इसका एक स्पेशल सब्जेक्ट है। फिर इतिहास की बात करते हैं जिसमें एंशियंट और मिडवेल है, इसका भी 7% वेटेज है, तो इसको जो है 7-8 इसको इक्वली आप मान सकते हैं। यूपी स्पेशल, उसके बाद जो है क्वालिटी का, उसके बाद पर्यावरण का, और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ आते हैं। तो इस तरह से आप जो है इस आधार पर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर सकते हैं। तो अगर आप 4-5 विषय जिस उन पे आप महारत हासिल कर लेते हैं, उनको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं और हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो निश्चित मानिए कि जो है जो इसमें रिक्वायर्ड मेरिट होती है 142 कभी जाती, कभी 148 जाती है, 200 नंबर में थे 146 जाती है, तो वहां तक आप जो है निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं प्री की मेरिट को, प्री की बाधा को पार करने के लिए। तो भूगोल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स जो है करंट सिनेरियो में, ये आपके 5 जो है मेजर सब्जेक्ट हो गए जो इस पेपर का जो है लगभग जो है 50% से ज्यादा जो है भाग बनाते हैं। यानी आप यू कह सकते हैं कि 140 में 80-90 क्वेश्चन जो है इन्हीं से पूछे जाते रहे हैं हमेशा जो है। तो अगर यही ट्रेंड फॉलो होता है, जो लगभग जो है फॉलो होता भी आता है, तो आप जो है इस तरह से तैयारी करके अच्छे नंबर पा सकते हैं। अब हमने ये भी विश्लेषण किया है कि अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास के किस चैप्टर से और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, आपको PDF मिल रही है, आप इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। कुछ विशेष बातें मैं आपको बताता चल रहा हूं साथ में। तो जैसे कि उदाहरण के लिए पाषाण काल, इससे आज तक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो 2 क्वेश्चन पुरातात्विक साक्ष्य और स्थल, प्रागैतिहासिक चित्रकला और स्थापत्य और स्थलों के मिलान संबंधित है, इस तरह से हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उनमें कौन कौन से सब टॉपिक हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। वैदिक काल से आज तक 11 क्वेश्चन पूछे गए, यानी यहाँ पर ये आपको बताने का आशय ये नहीं है, ये आप जो है किसी भी घटना चक्र या किसी अन्य किताब से आप स्वयं भी आकलन कर सकते हैं, लेकिन आपको घंटों लगेंगे क्योंकि मुझे खुद जो है 3-4 दिन का समय लगा है इसको तैयार करने में। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि इतनी मोटी किताब कोई आपके सामने है, उस समय आप सोचते हैं कि अब मेरे पास 3 महीने का समय है, मैं क्या करूं, मैं कौन से चैप्टर्स को पहले पढूं, तो उस दुविधा का जो इलाज है वो यहाँ पर है। आप इन टॉपिक्स को पहले उठा के पढ़ लीजिए जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए, कम से कम 1 बार से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप यूनानी आक्रमण से 2 क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से 13 क्वेश्चन, यानी ये मान के चलिए कि बौद्ध धर्म बार बार पूछा जा रहा, तो बौद्ध धर्म को आप जो है अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, इसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए कि आपसे जो है जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उसमें ज्यादा बार जो है पूछे गए, जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं, पहले आप उनको कवर करिए, फिर जब आपके पास समय बचता है तो आप जो है अन्य टॉपिक्स को भी पढ़ें। मेरा कहीं भी कहने का मतलब नहीं है कि आप जो है केवल सेलेक्टेड पढ़ के चले जाइए और मेरी गारंटी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब कम समय होता है तो हमको टारगेटेड पढ़ना पड़ता है, हमको कुछ एक्सक्लूड भी करना पड़ता है, यानी हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो हम क्या छोड़ सकते हैं, हमको ये समझना पड़ेगा, और यही जो है असली रणनीति होती है कभी हमेशा तैयारी करने की। क्योंकि अगर आप तीनों इतिहास की किताबों को रख लें, SK पांडे साहब की, तो इतनी मोटी जो है बंच बन जाएगा,
और आप देखते ही आपके हाथ पांव फूल जाएंगे कि आप जो है एक साल में भी शायद उसको जो है अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हिम्मत आने की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रिक्स कुछ जो है एनालिटिक्स पर भी भरोसा करिए और इस तरह से जो है पढ़िए। तो ये जो है जैसे अब यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का आप देखिए कितना बेटे हैं, 9 प्रश्न पूछे गए हैं, मौर्योत्तर काल से 7, गुप्तोत्तर और गुप्त काल से 9, भारत की स्थापत्य कला जो कला संस्कृति में आता है 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दक्षिण भारतीय राजवंशों से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, साहित्य और साहित्यकार से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब जो है ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जिनको आप पहले पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने जो है प्रायोरिटी एरियाज को पढ़ लिया है, अब जो बचा समय है उसमें हम जो है जो लेस प्रायोरिटी वाले एरिया है जिनको आपने किनारे हाशिए पर रख दिया था उनको पढ़ने का भी आपको समय मिल जाएगा। अब आरओ 2017 प्री और मेंस इनमें हम मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते हैं तो 6 क्वेश्चन आए थे प्री में और वो एक जो है बौद्ध विहार और विश्वविद्यालय के संस्थापकों पे, चंदेल वंश पे, शासक उनकी बागियों पे, अभिलेख पे, आचार्य और उनके सिद्धांत का जो प्रतिपादन उससे सुमेलन और बौद्ध तीर्थ यानी बौद्ध धर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 2017 का मेंस में एंशियंट हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन जो है, तो ये आपके सामने जो है ये ब्रेकअप है, आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर चलते हैं मिडविल हिस्ट्री की तरफ, अभी मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा। तो मिडविल हिस्ट्री में भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो पहला चैप्टर होता है मिडविल हिस्ट्री का, फिर गुलाम वंश से 2 क्वेश्चन, तुगलक वंश से, लोधी वंश से, विजयनगर साम्राज्य से। अब इसमें क्या पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य में हमेशा शासक पूछ लेता है कि उसके जो है संस्थापक कौन से, दरबारी कवि कौन से, साहित्य और फारसी राजदूत जो वहां पर आया उसके बारे में। इस तरह से दिल्ली संसद में राजपुताना राज अमीर खुसरो इन सबसे प्रश्न आए हैं, उत्तर भारत में दक्कन के प्रांतीय राजवंश से इसमें जजिया कर पे, जौनपुर पे, दक्षिण राजधानी, तो ये सभी जो है इस तरह से इनसे लगातार प्रश्न आए हैं। मुगल शासक, सिख संप्रदाय, मराठा राजवंश, ये सभी जो है। अब हम बात करते हैं जो है इतिहास की पुस्तकें, तो निश्चित रूप से आपके पास पुस्तकें होंगी, आप मैं केवल यहाँ पर एक सजेशन दे सकता हूँ। तो पहला सजेशन ये है कि जिस किताब से आप पढ़ रहे थे अभी तक उसी को कंटिन्यू करिए, एकदम से चीजों को बदलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिससे आपने प्राइमरी लेवल पर पढ़ा है उसी को जो है आपको रिविजन के समय भी रखना चाहिए। एनसीईआरटी हमेशा जो है एक बढ़िया बेस होता है स्टार्ट करने के लिए, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी इसमें आप जो है पढ़ सकते हैं। महेश वड़वाल की जो है एनसीईआरटी की पूरी सीरीज आ गई है, लगभग 9 बुक्स आ गई, इसमें सारे सब्जेक्ट आ गए हैं, एनसीईआरटी पर बेस्ड किताब है, तथ्यात्मक रूप से लिखी गई है, काफी खूबसूरत ढंग से लिखी गई है, तो आप सभी सब्जेक्ट में उसको ले सकते हैं या कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट में वो आप देख सकते हैं। फिर केसीटी यानी किरण कंप्लीशन टाइम की जो है हिस्ट्री की बुक आती है, लगभग इतनी मोटी होती है, उसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों एक ही में होती है, एसेसिबल है, रीडेबल है, आप कम समय में उसको खत्म कर सकते हैं, तो ये इसकी विशेषता है। जो लोग मोटी किताबों से घबराते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। फिर परीक्षा वाणी पब्लिकेशन हो गया, दृष्टि की क्विक बुक भी आती है, रिविजन करने के लिए बढ़िया है, डिटेल में पढ़ना हो एस के पांडे साहब हैं, और घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको देखने ही देखने हैं हर सब्जेक्ट के। आधुनिक भारतीय इतिहास जो हमारी वेटेज लिस्ट में 3rd या 4th नंबर पे था, तो इसका एक अपना अलग महत्व होता है। इतिहास में अगर आप जो है वैदिक एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल की बात करते हैं तो बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, हालांकि इतिहास बोरिंग नहीं है, उसको पढ़ने के लिए जो है जो पढ़ने वाला होता है उसके हिसाब से जो डिसाइड होती है, लेकिन आधुनिक इतिहास खासकर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल है उसको जो है आसानी से पढ़ा जा सकता है, याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है और लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, ये सारी विशेषताएं उसमें है। और चूंकि उसमें एक से एक कड़ी मिलाकर जो उसको आप जो है याद रख सकते हैं एक कालानुक्रम के अनुसार, जो है कि पहले बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ, उसके बाद फिर आगे क्या चीजें आई, तो आप एक क्रम से उसको याद भी कर सकते हैं। और ये जो है पेपर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे
सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं अगर आपने इसकी तैयारी की है। तो ये आपके सामने जैसे पहला ही चैप्टर दे दें, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का भारत में आगमन, इससे 22 प्रश्न अभी तक पूछे गए, तो यानी इसका अच्छा खासा वेटेज वहां पर। 1857 की क्रांति से 4 क्वेश्चन, जन आंदोलनों से 2 क्वेश्चन, भारत में शिक्षा का विकास इससे 3 क्वेश्चन, भारत में प्रेस का विकास अब इसमें समाचार पत्र उनके संपादक, फिर बंगाल पुलर प्रेस एक्ट, इन सब के बारे में। तो इस तरह से आप जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है चीजों को इस प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार जो है पढ़ सकते हैं। यहीं पर मैंने कला संस्कृति भी लिख दिया है, तो कला संस्कृति में जो है लोक संस्कृति पर कथन, लोक नृत्य, लोक उत्सव, पर्व, मेला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, क्षेत्र और कलाकार, सुमेलन, तो ये सभी जो है कॉमनली पूछे जाते हैं। अब अगर आप केसीटी ले रहे हैं तो आपको उसी में आर्य भारतीय इतिहास मिल जाएगा, नहीं तो जो है इसमें भी आप अलग से जो है अगर 9-12 की एनसीईआरटी ले रहे हैं तो वो भी सफिशियंट है। एनसीईआरटी पे बेस महेश गोंडवाल की वाली बुक जो है या एस के पांडे, बहुत अच्छी किताब है, दृष्टि की क्विक बुक और घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये जो है आप कर सकते हैं। अब आपके पास कितना समय है, आपकी तैयारी किस स्तर की है, किताबों का सिलेक्शन उस पर भी डिपेंड करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी अगर हम कहें इंडियन इकोनॉमी तो उसको जो है इस तरह से लिखते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका पूरा विवरण यहाँ पर है। राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र से क्वेश्चन जो है, राजकीय नीति और राजस्व पे भारत सरकार के 9 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ये अच्छा टॉपिक है क्वेश्चंस के लिए जो है। आयोजना जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, विभिन्न कार्यक्रम आते हैं इससे क्वेश्चन, मुद्रा और बैंकिंग से आज तक 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर मानव विकास से, और जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी रिसेंटली आया है तो इससे करंट से कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड, इंडिया का ट्रेड, भारत ने क्या सबसे अधिक निर्यात किया, सब क्या सबसे अधिक आयात किया, और उसके अलावा अभी बजट आया है, अभी आर्थिक समीक्षा आई है, मैंने पूरा पढ़ाया, आपको पीडीएफ भी दी है, तो निश्चित मानिए उससे जो है 2-3-4 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। इसमें अगर हम पुस्तकों की बात करें तो बाहरी पब्लिकेशन की पुस्तक जो है, किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए, रमेश सिंह की बुक जो है, लेकिन काफी हैवी है, आप कम समय में उसको नहीं खत्म कर पाएंगे, तो वाणी पब्लिकेशन की बुक जो है और घटना चक्र की आर्थिकी वाली किताब जिसमें आपको आर्थिक डेटा मिल जाएंगे, ये 2 जो है सफिशियंट रहेगी। इसके अलावा अगर प्रेफर करें तो प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक भी ले सकते हैं। अब हम विज्ञान की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉप 5 जो है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। अब इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इसको बांटा है फिजिक्स, फिजिक्स में जो है मापक यंत्र, उनके विभिन्न पैमाने जो होते हैं, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, सदिश राशि, अदिश राशि, इनसे क्वेश्चन, तो ये पूरी लिस्ट है आपके सामने जो आप जो है पीडीएफ से आराम से देख लीजिएगा। और इसी फिजिक्स में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, प्रिंटर के बारे में, स्कैनर के बारे में, क्रिप्टो करेंसी क्या है, रैम और रोम मेमोरी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म वाले तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर पर भी एक नजर डालनी होगी, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन कंप्यूटर से नहीं पूछा जाता है, एक सामान्य विद्यार्थी से जो अपेक्षा है उस तरह का क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना, धातु या धातु में कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिर बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, बायोपॉलीमर्स भी इसी में आ जाता है, दर्द निवारक औषधियों के बारे में उसका एक सुमेलन आया था एक साल जो है, कांच कितने प्रकार के होते हैं, कांच को रंग देने वाले रासायनिक पदार्थों के बारे में, फिर बायोलॉजी, अब फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा वेटेज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी का, बायोलॉजी से जो है अपेक्षाकृत ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमी वाला, फिर बायो फर्टिलाइजर हो गया, कोशिका यानी सेल और उसके सेल ऑर्गेनेल्स जो है, फोटोसिंथेसिस से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, विटामिन और प्रोटीन, पोषक तत्व, सूक्ष्म तत्व, माइक्रो एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट, ये सभी जो है आप आसानी से जो है इसमें चैप्टर्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग,
उनका उपचार, देखिए चार क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी पर आप विशेष ध्यान दें। अगर साइंस सेक्शन की हम बात करते हैं, सामान्य विज्ञान की किताबों की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी बेस्ट है। अगर आप 9-12 नहीं पढ़ पाते तो 11-12 की भी अगर आप ले लेते हैं, खासकर बायोलॉजी, तो बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको लगता है कि आप जो है उसमें नहीं जो है अच्छा मटेरियल समझ पा रहे हैं, मतलब ये नहीं समझ पा रहे कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आप सबसे पहले न्यूसेंट साइंस की या मेरी खुद की बुक है, पूजा पब्लिकेशन पर प्रकाशित हुई थी, आप उस साइंस की वो ले सकते हैं। महेश वड़वाल ज्ञान पब्लिकेशन की साइंस की बुक भी अच्छी है, दृष्टि की क्विक बुक, और घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है पीसीएस के भी और आरओआरओ के भी जरूर सॉल्व करें, यानी लोक सेवा आयोग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए चाहे किसी परीक्षा पूछे गए वो सब देख लें साइंस के, क्योंकि साइंस में जो है क्वेश्चंस का रिपीटिशन होता रहता है। अब भारतीय भूगोल जो टॉप नंबर वन पे है, यानी इसको आपको सामान्य अध्ययन में सबसे ज्यादा समय देना होगा और बहुत ही अच्छे से थॉरली स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना होगा। तो भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, देश सीमाएं, कौन सा सीमा से लगता है कौन सा राज्य नहीं लगता है, ये सब चीजें इसमें, भौतिक विभाजन भारत का क्या है, तटीय भाग कौन से हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेश आप देख रहे हैं कि बार बार जो है अब जो है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़ रही है घट रही है, तो बहुत संभावित है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए जो है। उसके बाद भारत के अनुसंधान केंद्र, झीलें, प्राकृतिक आपदा, भारत की मिट्टियां, प्राकृतिक विभाजन, वनस्पतियां, तो ये सब जो है ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं। और कृषि का इसमें अच्छा पोर्शन रहता है, आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन जो है कृषि से पूछे गए हैं। तो कृषि को हम लोग जो है या तो इकोनॉमिक्स में रख सकते हैं, वैसे कृषि का अध्ययन जो है मेनली हम जो है ज्योग्राफी के साथ में ही करते हैं जो परंपरा है। फिर बागानी फसलों के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में, तो खनिज संसाधन में खासकर करंट से जुड़े हुए कि कौन उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है, कौन जो है भंडारक सबसे बड़ा राज्य है, इसी तरह से देश में उत्पादक देश और भंडारक देश जो है खनिजों में। तो अब इसको पढ़ने के लिए, कृषि को भी पढ़ने के लिए महेश वड़वाल तो जो है भूगोल की अच्छी किताब हो ही गई, उसके अलावा जो है कृषि के लिए आप जो है बाहरी पब्लिकेशन ले सकते हैं। वैसे भूगोल की जो है विश्व भूगोल और भारत का भूगोल बाहरी पब्लिकेशन भी परफेक्ट किताब है, अच्छी किताब है, फैक्ट भी है और जो है सारी चीजें जो है इलेबरेटेड भी है, आप उसको भी जो है ले सकते हैं और घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर कर लें। विश्व का भूगोल का ये इस तरह से आपके सामने है, ब्रह्मांड, महाद्वीप, पर्वत श्रेणियां, देश, उनकी सीमाएं, प्रमुख समुद्र यानी सागर, विश्व की नदियां, उनके क्रम पूछ लिए जाते हैं, जैसे कोई महाद्वीप दे दिया उसमें जो है उत्तर से दक्षिण का नदियों का क्रम, या दक्षिण से उत्तर का क्रम, या पूर्व से पश्चिम का, पश्चिम से पूर्व का, किसी तरह से भी पूछ सकते हैं। तो ये जो है मेन मेन चीजें हो गई विश्व की भूगोल पर। बुक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जो है महेश वड़वाल या वाई पब्लिकेशन सामान्य तौर पर जो है इतना सफिशियंट है। भारतीय राज व्यवस्था प्रश्न बहुत आसान आते हैं और गलती होने की संभावनाएं कम होती है, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं परंपरागत होते हैं, कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा के जो है क्वेश्चंस को नहीं पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हैं, आप जो है स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, तो इस तरह से जो है आप उसको देख सकते हैं कौन कौन से आपको पढ़ने हैं और पहले पढ़ने हैं। केवल ये बताने का मकसद यही है कि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उनमें ये चीजें कहीं छूट ना जाए, आप पढ़े जाए जो है सब कुछ, लेकिन ये चीजें छूटने ना पाए, ये आपकी प्रायोरिटी में शामिल होनी चाहिए। तो इसमें भी वाणी की बुक अच्छी है, उसके अलावा एनसीईआरटी साथ जो है महेश वड़वाल वाली वो भी आप ले सकते हैं, दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं, घट और एनसीईआरटी तो हमेशा बेस्ट होती है, बस आपके पास पढ़ने का समय होना चाहिए। तो 9-12 की एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है घटना चक्र से जरूर देख लें। एनवायरमेंट और इकोलॉजी भले जो है इसका वेटेज 5-7% है, लेकिन ये जो है इसका जो ट्रेंड है वो क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लगातार इसके क्वेश्चंस लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में बढ़ रहे हैं।
तो मैं यहाँ पर जो है एक जो है भविष्यवाणी कह लीजिए कि अपना अनुमान बता रहा हूँ कि इस बार आपको जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ज्योग्राफी कम हो जाए, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पर्यावरण एवं सतत विकास, ये सभी टॉपिक सभी मैंने जो है 12-13 लेक्चर में खत्म किए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पुराने वीडियोस को जरूर देख लें। पारिस्थितिकी अभी ये पढ़ाना है, मैं पूरा पारिस्थितिकी तंत्र और सब कुछ पढ़ाऊंगा। अभी जैव विविधता में पूरा कर चुका हूँ। हरित गृह प्रभाव, ओजोन लेयर, ये सब जो है कवर हो चुका है। वन एवं वन्य जीव के बारे में, फिर अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व, ये सब जो है मैं जैव विविधता की जो मैंने सीरीज बढ़ाई है उसमें दे चुके हैं। प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन, वन्य जीव की संरक्षण की योजनाएं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, और फसल प्रजातियां, विभिन्न परजीवी, ये सब भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। अब स्पेशल टॉपिक की बात करते हैं। भले इसका जो है 7% वेटेज हो, यानी 100 में औसतन 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें अचानक जो है कभी किसी किसी साल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। एक दो साल तो ऐसा हुआ है आगे के पेपर्स में कि 12-13-14 क्वेश्चन तक जो है पूछ लिए गए जनसंख्या और नगरीकरण से, तो ये कभी भी इंक्रीज हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूपी का तो पूरा यहाँ पर पढ़ाया ही है, खास साथ में इंडिया का जो है सेंसेस मैं स्पेशली चैनल पर पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अभी उसकी मैं बैकग्राउंड तैयारी अभी कर रहा हूँ। तो ये जो है उसके मुख्य मुख्य टॉपिक हैं। उत्तर प्रदेश का भी अच्छा वेटेज रहता, पिछले पेपर में तो रिकॉर्ड ही टूट गया था। मुझे लगता है करीब 17-16 प्रश्न जो है केवल यूपी से आ गए थे, और अगर करंट भी यूपी का जोड़ लें तो लगभग 19 क्वेश्चन जो है आए थे 2018 में जो पेपर हुआ था, यानी 2017 का जो प्री हुआ था। तो यूपी स्पेशल पढ़ना होगा। प्रशांत सर ने और मैंने दोनों लोगों ने यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से जो है चैनल पे पढ़ाया है। अगर आप सारे वीडियोस को देख के रिवाइज कर लें तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी इसके लिए पुस्तकें जो है वाणी ले लीजिए, या घटना चक्र वाली जो है पुस्तक ज्यादा अच्छी है अगर आप जो है कम जो है पढ़ना चाहते हैं और टारगेटेड पढ़ना चाहते हैं। एग्जाम टाइम्स में जो है सेंसस की बुक आती है, घटना चक्र की सेंसस की बुक आती है, तो सेंसस को आपको स्पेशली तैयारी करना है। अब उत्तर प्रदेश में ये जो टॉपिक्स हैं ये जो है बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं। मेले, उत्सव, महोत्सव, अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश के पुराने नाम कब कब रहे, ब्रिटिश काल में जो चेंज हुए हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना, प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल, उत्तर प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक इकाइयां, जनजातियां, शास्त्रीय गायन, कला संस्कृति संबंधित, उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने जो संगीत के घराने हैं, तो कलाकार हैं, उनके वाद्य यंत्र हैं, इस तरह के सुमेलन के प्रश्न जो है, यानी इसको हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंतर्गत जो है पूछे जा चुके हैं। फिर उत्तर प्रदेश जो है मैंने बताया कि जो है घटना चक्र वाली बुक ले लीजिए या वाणी पब्लिकेशन के लिए ले लीजिए, दोनों ही जो है बुक पर्याप्त हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए। सामान्य बौद्धि और तार्किक क्षमता, इसमें गणित भी जुड़ी हुई है। तो अनुमानता जो है औसत इसका जो है आता है, मैंने बताया था कि 17 प्रश्न जो है अधिकतम पूछे जा चुके हैं। कभी कभी तो इतना लो पूछा गया कि 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना इसके लिए आपको भारी भरकम जो है कोई अलग से कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, ये मैथ और रीजनिंग के अलग से कोचिंग ज्वाइन कर लें। इसमें करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के वो सॉल्व करिए। सीसैट के जितने पीसीएस के पेपर्स हुए हैं उसमें जो मैथ और रीजनिंग होती है उसको सॉल्व कर लीजिए, और कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक्स जो है पढ़ लीजिए, जैसे कि एनालॉजी टेस्ट, रक्त परीक्षण संबंध, रक्त संबंध परीक्षण वाला जो है क्लासिफिकेशन, दिशा वाला जो है जिसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ए उत्तर की जो ओर चलता है फिर आगे जाके बाएं मुड़ जाता है, इस तरह से वो मूल दूरी से कितनी दूरी है, ये श्रृंखला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग वाले अल्फाबेट में और न्यूमेरिकल दोनों तरह के, डिसीजन मेकिंग निर्णय वाले क्वेश्चन जो है, ऑर्डर अरेंजमेंट क्रम व्यवस्था वाले क्वेश्चन, और प्रारंभिक गणित में जो है कुछ भी पूछ सकते हैं, वैसे उसमें जो है प्रसत्ता, अनुपात, लाभ हानि, ब्याज, ये 4 से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा।
अब इसमें कोई विशेष बुक बताने की जरूरत नहीं है, आप सी साइड पूरा पढ़ लीजिए, सी साइड का पेपर, उसमें जो मैथ रीजनिंग आई है, किरण पब्लिकेशन या आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं अगर आप बुक में इंटरेस्टेड हैं। अब दूसरे नंबर का जो टॉप मार्कपूर्ण सब्जेक्ट है, तो एवरेज के मामले में दूसरा है, लेकिन अगर ट्रेंडिंग में देखें तो जो है ये पहले नंबर का टॉपिक है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जितना भी पढ़ा जाए कम है, लेकिन आपको अच्छा इस पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स हमेशा लगातार बढ़ रहा है और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की भी संख्या ज्यादा पड़ रही है, तो दोनों के लिहाज से आपको जो है करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रशांत सर और अमित सर दोनों ही लोग जो है करंट अफेयर्स को स्पेशलाइज तरीके से पढ़ा रहे हैं। प्रशांत सर पूरा एक साल का जो है पढ़ा रहे हैं साथ जो है, तो उन वीडियोस को भी देखिए। अब करंट अफेयर्स के लिए तो पहली एक आदत आपकी होनी चाहिए कि डेली आप कोई भी एक जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और अगर आपके पास समय है तो आप जो है उससे नोट्स बनाते हो। शॉर्ट में फैक्ट्स को नोट कर लीजिए, जरूरी नहीं कि आप उस पर आर्टिकल लिखें, केवल एक डायरी या एक जो रजिस्टर रखिए, आज की जो 6-7-8 मुख्य खबरें हैं उनको जो है शॉर्ट में नोट कर लीजिए, जिससे वो आपके जेहन में बना रहे। फिर मंथली मैगजीन्स में आप घटना चक्र ले सकते हैं, समसामयिकी, महासागर, क्रॉनिकल जो मोटी वाली है इस समय बहुत अच्छी आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल सीरीज भी दे रहे हैं, तो क्रॉनिकल भी अच्छी है। पतली वाली भी ले सकते हैं आप जो है। प्रतियोगिता दर्पण PIB की वेबसाइट को आप रिफर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करंट की तैयारी आपको कराएगी। तो दोस्तों हमने इस जो है वीडियो में, इस लेक्चर में देखा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होनी है 2016 वाली और 2017 वाली, बहुत जल्दी आपको वैकेंसी सुनाई पड़ जाएगी। हो सकता है 10-15-20 दिन महीने बर्बाद आए, लेकिन वो आएगी और इसी वर्ष आएगी, तो आप उसकी अभी से तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, आप इसको एक बार पूरा फिर से देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो में जो स्लाइड्स दिखाई गई हैं उसकी PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। साथ में फ्री डेमो टेस्ट जो है RO का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको आप जो है जरूर हार्ड कॉपी में इस तरह से प्रिंट करा के एक बार पढ़ लें। 2-4 क्वेश्चन तो आपको इसी से मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नोट्स है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आप बहुत सारी जो है भारी भरकम किताबों को पढ़ने से बच जाएंगे। पूरा ट्रेंड को फॉलो करते हुए कंसाइज तरीके से नोट्स के फॉर्म में मटेरियल इस क्रैश कोर्स में दिया जा रहा है। लगभग 20 PDF आपको मिलेंगी और उतने में आप जो है काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।